हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं बिजनेस कथा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं शिवम मिश्रा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड रिसर्चर एंड पब्लिक स्पीकर। माय डियर फ्रेंड्स, एक वेब सीरीज आई थी जिसका नाम था हर्षद मेहता स्कैम। इस वेब सीरीज को देखने के बाद लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए और बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट उन्होंने करना शुरू कर दिया, स्टॉक मार्केट में घुस गए। कुछ लोगों ने छोड़ भी दिया क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया, स्टार्टिंग में उनको इतने सारे लॉसेज हो गए, हैवी लॉसेज हुए, इसलिए बहुत सारे यंगस्टर्स ने छोड़ दिया और उन्हें अब ये लगता है कि स्टॉक मार्केट इज नॉट अ गुड थिंग। बट बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट बहुत अच्छे रिटर्न्स देता है। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपको एनालिसिस करना आता है ना, तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, दो तरीके की एनालिसिस होती है मेनली, एक होता है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है आपका टेक्निकल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस मेनली जो आपके एक्सपर्ट्स होते हैं, लाइक कंपनी सेक्रेटरीज हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो गए, MBA फाइनेंस वाले हो गए, ये सारे लोग जो है अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। क्योंकि हम फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम लोग जो है इकोनॉमी को जो है देखते हैं, इंडस्ट्री को देखते हैं, स्पेसिफिक कंपनीज को अलग अलग रेशियोज के थ्रू एनालाइज करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़्यादा वास्ट है और उसके लिए एक थोरो नॉलेज चाहिए सर। लेकिन जो दूसरी तरीके की एनालिसिस होती है उसे हर कोई कर सकता है और वो होता है आपका टेक्निकल एनालिसिस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहीं कहीं से बस चेप चाप के आपको बता दिया कि यार देखो इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस करी जाती है। बट आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करी जाती है, क्योंकि सर मैं एक प्रोफेशनल कोर्स का स्टूडेंट हूं और मैंने टेक्निकल एनालिसिस को बहुत ज़्यादा कोर में पढ़ा है। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम लोग जो शेयर प्राइसेस होते हैं ना, उनको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चार्ट के थ्रू एनालाइज करते हैं और मेनली तीन तरीके के चार्ट्स होते हैं। अगर हमें इनकी एनालिसिस करनी आती है तो हम हर एक शेयर को, हम हर एक सिक्योरिटी को अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं। तीन तरीके के जो चार्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एक आपका होता है लाइन चार्ट, दूसरा होता है आपका बार चार्ट और तीसरा होता है कैंडलस्टिक चार्ट, है ना। कैंडलस्टिक चार्ट भी होता है, बहुत अच्छा होता है वो चार्ट, ठीक है। और मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बार चार्ट और लाइन चार्ट किस तरीके से जो है इसका क्या मतलब होता है और ये बनते कैसे हैं, उसका बेस आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद हम लोग मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाकर एक बार एनालाइज भी करेंगे, किसी कंपनी का शेयर लेकर एक बार हम लोग बार चार्ट और लाइन चार्ट को एनालाइज करेंगे। फिर जो मैं अगले हफ्ते जो मैं आपको वीडियो दूंगा उसमें मैं आपको कैंडल स्टिक चार्ट के बारे में बताऊंगा, डीपली मैं आपको कैंडल स्टिक चार्ट के बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद हम लोग फिर से मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाएंगे और कैंडल स्टिक चार्ट के बारे में हम लोग वहाँ पे देखेंगे और अच्छे से एनालिसिस करेंगे। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, जो आपको टेक्निकल एनालिसिस है ना वो आप पूरी तरीके से सीख जाएंगे, आप अपने मोबाइल फोन के जरिए ही ये आप टेक्निकल एनालिसिस कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाइन चार्ट के बारे में, फिर हम लोग बार चार्ट के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कैंडल चार्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ये जो आपका लाइन चार्ट होता है वो कैसे बनता है। तो देखिए, आपने जो लाइन चार्ट्स आपने देखे होंगे मेनली वो इस तरीके से बनते होंगे, है ना, इस तरीके से आपके लाइन चार्ट्स बनते होंगे। तो चलिए अब लोग एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि लाइन चार्ट किस लिए बनाया जाता है और कैसे बनता है। देखिए, मैं यहाँ पर ना एक आपका बेसिकली बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये आपका होता है सर एक्स एक्सिस और आपका होता है ये आपका वाई एक्सिस होता है। अब इस केस के अंदर ये जो आपका होता है ये आपका होता है टाइम पीरियड, क्या होता है सर, टाइम पीरियड, मिलिए डेज में हो सकता है, मंथ्स में, जिसके हिसाब से आप चूज करेंगे, मंथ्स में भी हो सकता है, ईयर्स में भी हो सकता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड ये आपका होता है और ये जो आपका होता है ये वाला, ये आपका होता है प्राइस, क्या होता है सर, प्राइस होता है, ठीक है सर। और मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, मान लीजिए ये जो आपका फर्स्ट डे है, फिर आपका, तो सर जो लाइन चार्ट होता है ना, मिली जो ये लाइन चार्ट होता है ये क्लोजिंग प्राइस का बेस होता है। मतलब हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्लोजिंग प्राइस लेकर चलते हैं और उसी के बेसिस पे हमारा जो लाइन चार्ट है वो ड्रॉ होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लेता हूँ, मान लीजिए सर जो फर्स्ट डे किसी सिक्योरिटीज़ का जो क्लोजिंग प्राइस था वो कितना था, 5 रुपये था। दूसरे दिन जो उसी वही सिक्योरिटी थी उसका जो क्लोजिंग प्राइस हो गया वो कितना हो गया आपका, 3 रुपये हो गया। तीसरे दिन क्लोजिंग प्राइस क्या रहा सिक्योरिटीज़ का, 15 रुपीज़ हो गया। चौथे दिन क्या रहा सर, चौथे दिन आपका सर 20 रुपये रहा। पांचवे दिन आपका क्या रहा, पांचवे दिन आपका 10 रुपीज़ रहा। तो ये सारा क्लोजिंग प्राइस है। अब जब हम इसको जो है मिला देंगे लाइक दिस, सिंपल, दिस इज अ लाइन चार्ट, ये आपका क्या होता है, लाइन चार्ट होता है। ओके सर, मनी कंट्रोल आने के बाद जो है आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे क्लिक करना है। मनी कंट्रोल की आप वेबसाइट पे पहुंचेंगे, अब ये देखिए आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आ रहे हैं, ऊपर आपको सर्च बार दिख रहा होगा, उस सर्च बार पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे आपको जिस कंपनी का आपको सर्च करना है, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स में लिख लेता हूँ, यहाँ पे टाटा मोटर्स का ओपन हो रहा है, ये आपका ओपन हो गया। तो आपको थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है, और ये आपका टाटा मोटर्स का ओपन हो गया। यहाँ पर आपको 382 पॉइंट
1995 जो इसका भी प्राइस चल रहा है, ठीक है। और डे रेंज आप देख रहे हैं, इसका मतलब कि एक दिन में कितना फ्लक्चुएशन आ रहा है प्राइस में आप देख सकते हैं। और साइड में आपको शो कर रहा है एडवांस चार्ट, तो चलिए हम लोग एक बार एडवांस चार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ऊपर। और ये आपका एडवांस चार्ट जो है टाटा मोटर्स का आपका ओपन हो रहा है, और ये आपका मेनली बार चार्ट है, बार चार्ट है आपका। मैं अभी आपको लाइन चार्ट दिखाता हूँ। लाइन चार्ट हमें सबसे पहले एनालाइज करना है। यहाँ पे जो आपको साइड में जो प्राइजेस आपको शो कर रहे होंगे, ठीक है, 370 360, यहाँ पे आपको प्राइजेस जो शो कर रहे हैं ना, ये जो प्राइजेस हैं, ठीक है, ये आपके क्लोजिंग प्राइस होते हैं और ये आपका लाइन चार्ट है। चलिए हम लोग एक बार इसको एनालाइज करते हैं। नीचे आप आइए सर, नीचे आएंगे तो आप देखेंगे, ये तो दिन का है, नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 मंथ है, 1 मंथ है, 5 मंथ है। तो आप एक काम करें, हम लोग एक साल का एनालाइज करते हैं, तो एक साल के हम लोग एनालिसिस करते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग ऊपर चलते हैं, और ऊपर चल के हम लोग एक बार एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपको क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है नीचे डेट 8 जनवरी 2021 को, प्राइस आप देखिए यहाँ पर 265.31, तो ये आपको क्लोजिंग प्राइस दिखा रहा है कि जो 8 जनवरी की जो ट्रेडिंग हुई थी उसका क्लोजिंग प्राइस क्या था। नीचे 5 ईयर्स का देख लेता हूँ, 5 ईयर्स पे आप क्लिक कर दो, आप पहले 5 ईयर्स पे आप क्लिक कर दो। अब ये देखो यहाँ पे 16 सितंबर 2020 को ये दिखा रहा है आपका 359.80। उसी तरीके से आप ऐसे करके आप आगे जो है एनालिसिस आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पूरा का पूरा 5 साल का आप एनालिसिस कर सकते हो। अच्छा मैं एक बार ना आपको लाइन चार्ट के जूम में लेके जाता हूँ। ये देखिए इस तरीके से लाइन चार्ट बनता है आपका, ठीक है, प्रॉपरली आपका लाइन चार्ट बनाया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम लोग ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं तो उस केस के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि सर फ्लक्चुएशंस कैसी हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर ना एक बार बार चार्ट देखते हैं, बार चार्ट, ये हमने बार चार्ट ओपन कर लिया है, और ये देखिए इस तरीके के कुछ बार चार्ट है 5 सालों का।